हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर से क्लिक करना है आपको और शेयर जरूर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक जरूर से करना है तो आप सभी के लिए एक इंपॉटेंट अपडेट है और ये एक नोटिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और ये नोटिफिकेशन यू की तरफ से है और ये टेक्निकल एजुकेशन की ही वैकेंसी है ठीक है जैसे पॉलीटेक्निक लक्चरर थी तो वो टेक्निकल एजुकेशन की एक वैकेंसी थी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूपी टेक्निकल एजुकेशन की वैकेंसी है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है इसका ग्यारह इक्कीस बारह दो हज़ार तेईस से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा ठीक है अठारह एक दो हज़ार चौबीस तक चलेगा और देख सकते हैं लास्ट डेट सबमिशन की बाईस जनवरी है और करेक्शन उनतीस जनवरी तक चलेगा ठीक है तो ये है इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि वैकेंसी कौन सी है ठीक है तो यूपी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की तरफ से आप देख सकते हैं वैकेंसी है ये यूपी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट देख सकते हैं प्रशिक्षक की है यानी ट्रेनर की पोस्ट है ठीक है एक वैकेंसी है बैम्बू एंड केन में और प्रशिक्षक बी कीपिंग सात वैकेंसी पोट्री में दो प्रशिक्षक हैंडमेड पेपर में एक फूड प्रिजर्वेटिव में दो फाइबर में तीन विलेज ऑयल में छः प्रोसेसिंग ऑफ सीरियल क्रॉप्स एंड पल्स ये तीन वैकेंसी है खादी की छः वैकेंसी है ब्लैंकेट की एक नॉन एडिबल्स ऑयल एंड सोप की छः प्रशिक्षक मैच एंड अगरबत्ती की तीन प्रशिक्षक ब्रैक स्मिथ एंड कारपेंट्री की तीन वैकेंसी और प्रशिक्षक लेदर की एक वैकेंसी है ठीक है तो इसमें आप देख सकते हैं कि लेवल सेवन का पे स्केल है ये देख सकते हैं आप ठीक है तो चवालीस या नौ सौ से, से लेके कर एक बयालीस से लेवल सेवन की पोस्ट है रिज़र्वेशन आप देख सकते हैं कि जैसे यूपी में लगता है उसी हिसाब से रहने वाला है इसके अलावा फ़ीस यहाँ पे बात कर लेते हैं तो अन के लिए दो सौ प्लस पच्चीस यानी दो सौ पच्चीस है एस के लिए अस्सी रुपये प्लस पच्चीस यानी एक सौ पाँच रुपये और पी डब्ल्यू बी डी के लिए आप केवल पच्चीस फीस देनी है रुपये और एक्स सर्विस मैन के लिए एक सौ पाँच है और देख सकते हैं बाकी चीज़ें इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे पूरा बताया है कि आपको कैसे जो है अप्लाई करना है तो आप वो आप कर ही लेंगे ठीक है ओटीआर वगैरह का यूज़ करके आप ऑथेंटिकेट करना है और फिर बहुत ही जल्दी आपका फॉर्म भी भर जाएगा ठीक है एज लिमिट इसमें जो है चालीस इक्कीस से चालीस मांगी गई है ठीक है जनरल कैटेगरी के, के लिए ठीक है और रिलैक्सेशन जो कैटेगरी के, के लिए रहता है वो आप देख ही सकते हैं ठीक है पाँच साल का और तीन साल का रहता है ये ओ बी सी के लिए पाँच का एस सी एस टी के लिए है ना इसके बाद एग्जाम और इंटरव्यू कैसे होना है ये देखना है ठीक है तो यहाँ पे तीन लेवल रहने वाले हैं इसमें यानी लेवल वन यानी कि पहले जो है पेपर वन और टू होगा सेम डे पर उसके बाद एक इंटरव्यू होगा ठीक है ये है तो टोटल जो है आपका एट फिफ्टी मार्क का होना है यानी सेम पैटर्न है जैसे यू पी पी लेक्चर में था ठीक है वैसे ही होना है अब आप देख सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप नोट कीजिए कि ये जो लिखा है नाइन नंबर पे क्वालिफिकेशन ठीक है तो इसको आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे तो प्रशिक्षक के लिए एसेंशियल है बैचलर इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एन आई और एन, एन से और एम का देख सकते हैं ठीक है बी बी टेक पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी फोर्थ नंबर की पोस्ट के लिए हैंडमेड पेपर के लिए है और बी बी टेक फूड टेक्नोलॉजी में फूड प्रिजर्वेशन के लिए इसके अलावा जो है फूड टेक्नोलॉजी के लिए सेवन और एट दोनों में जो है अप्लाई कर सकते हैं टेक्सटाइल के लिए आप देख सकते हैं नाइन और टेन नंबर की वैकेंसी है ठीक है बी बी टेक टेक्सटाइल में होना चाहिए अब इलेवन और ट्वेल्व पे देखते हैं आप ठीक है यहाँ पे केमिकल एलिजिबल है एडिबल सॉइल एंड सोप इसमें छः वैकेंसीज हैं और मैच एंड अगरबत्ती में टोटल तीन वैकेंसी हैं इसके लिए भी केमिकल एलिजिबल है तो टोटल छः और तीन नौ वैकेंसी केमिकल के खाते में है ठीक है मैकेनिकल के लिए तेरह नंबर की पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं प्रशिक्षक ब्लैक स्मिथ या कारपेंट्री में रहने वाला है यहाँ पे बी बी टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन ठीक है लेदर में लेदर टेक्नोलॉजी ज़रूरी है ठीक है प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन ये जैसा रहता है वो देख सकते हैं आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ ज़्यादा नहीं है ठीक है एस सी के लिए मिनिमम थर्टी फाइव परसेंट मार्क होने चाहिए पेपर वन पेपर टू दोनों में अलग अलग और फोर्टी परसेंट मार्क जो है यूआर के लिए होना चाहिए ठीक है जनरल इंस्ट्रक्शन है उसके बाद ये टोटल अपना प्रपत्र वगैरह देख बताया गया है कैसे कैसे आपको सर्टिफिकेट अपने चाहिए ठीक है ओ बी सी एस सी एस ठीक है इसके अलावा देख सकते हैं आप इंपॉर्टेंट चीज़ों पे नोट जल्दी जल्दी कर देते हैं तो ये है टोटल पेपर कैसे रहने वाला है तो पच्चीस नंबर की हिंदी आएगी और बाकी आपका जो टेक्निकल है तीन सौ नंबर का तीन सौ पिचत्तर का पहला भाग होगा और दूसरा ही पेपर जो होगा वो आपका टेक्निकल का तीन सौ ठीक है और सेकंड पेपर में आपका कुल जो है तीन सौ रहने वाला है ठीक है पेपर टू में तो ये एक अलग बात है इसमें कि पेपर वन में बेशक आपका जो है हिंदी आएगी सामान्य हिंदी पिचत्तर नंबर की लेकिन जो सेकंड पेपर है उसमें जीएस नहीं आएगी टोटल तीन सौ के तीन सौ पिचहत्तर नंबर आपके टेक्निकल के खाते में जुड़ेंगे तो टोटल साढ़े सात सौ का ये बैठ जाता है और सौ नंबर का आपका जो है इंटरव्यू होगा ठीक है ये होना है अब इसके बाद सिलेबस देख लेते हैं सिलेबस अपने अपनी ब्रांचेस का आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है यहाँ पे आ, जनरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी देख सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्सटाइल का भी दे रखा है केमिकल का मैकेनिकल का सबका सिलेबस यहाँ पे दे रखा है ठीक है डाउनलोड करके अपने तसली से देख लेना ठीक है तो ये टोटल इंपॉर्टेंट बातें थी और अप्लाई ज़रूर से करना ठीक है अच्छी पोस्ट है और ज़रूर से अप्लाई करें मैकेनिकल और केमिकल और फूड के लिए इंजीनियरिंग के लिए बता रहा हूँ मैं और लेदर के लिए ये वैकेंसीज अच्छी खासी हैं ज़रूर आपको इसमें ज़रूर अपना आ, अप्लाई करना चाहिए और हो सकता है आप सेलेक्ट भी हों उसमें ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय